हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी लोगों का अड्डा यूनिवर्स 7 में गाइस। तो एनएचपीसी जे यहां पे जो कंप्लीट बैच शेड्यूल है वो आप लोगों के सामने आ चुका है और आप लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे गाइस। तो इस वीडियो हम लोग बात करेंगे क्या जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे इंक्लूड है कोर्स में या फिर नहीं, और क्या आपका जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पे फटाफट से वीडियो को शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल का स्टडी प्लान आपकी आंखों के सामने गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इमीडिएटली आपका। इन सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका है नहीं सिलेबस में गाइस। यहाँ पे देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे लिखा हुआ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे नाम पे ये लोग आपके साथ में स्कैम करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठा के देखिएगा, आपके जो डिजिटल के बेसिक्स क्वेश्चन है, एंड गेट और गेट है ना, मल्टीप्लेक्स डी मल्टीप्लेक्स, मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से डिजिटल को स्टार्ट किया गया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा आपका मेजरमेंट जो कि मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे नेटवर्क मशीन पावर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मशीन और पावर सिस्टम से आपको प्यार हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस हम सीधे सीधे यहां पे जनरल इंजीनियरिंग की, सर इसके बारे में क्या ख्याल आते हैं। तो देखो यहां पे गाइस, जनरल इंजीनियरिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके ऐड किए गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को ऐड है, बाकी किसी में ऐड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जनरल इंजीनियरिंग का शेड्यूल आपका इलेक्ट्रिकल के बाद में जनरल इंजीनियरिंग यहाँ पे कंप्लीट होगा। 3 आपकी यूनिट जो ऐड किए गए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, एंड यहाँ पे जो हाइड्रोलॉजी या हाइड्रोडायनेमिक्स को जैसा ऐड किया गया है ना, तो यहाँ पे ये इसका शेड्यूल है। तो इसके बाद में इसको आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा जो नॉन टेक पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक प्लस जनरल इंजीनियरिंग तीनों ही आपके बहुत ही जानदार तरीके से कवर कराए जाएंगे, है ना। और आप यहाँ पे मेरी गाइडेंस में रहकर तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे 101% सफलता पाएंगे, बिकॉज मशीन और पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट आपसे प्यार करने लगेंगे। आपको करना क्या, Edo247 की साइट पे जाके ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, AJEE में क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाके NHPC पे बैठा जाएंगे, और यहाँ पे जो बैच है आपका NHPC आज से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो कितने का पड़ रहा है आपका, 2162 रुपए का। लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको एक मैजिकल कूपन कोड, जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे एक मैजिकल कूपन कोड Y433 जैसे आप ये लगाएंगे, आप यहाँ पे एक मैजिक देखेंगे, मात्र आपका यहाँ पे जो 1990 का जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट है वो आपको इस कोड पे गाइज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे जो Y433 कोड है ये फैकल्टी गाइडलाइन के लिए बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फैकल्टी गाइडलाइन से बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा अगर गाइज आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू एंड ट्राई टू सॉल्व द योर डायलेमा। तो गाइज यहाँ पे जल्दी से जाइए और यहाँ पे बैच में इनरोल कर लीजिए, और इस बार NHPC पार है ना, इस बार बचना नहीं चाहिए। बहुत ही शानदार और जानदार वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी आपकी बहुत ज्यादा हर बार नहीं आती, पिछले बार के कंपेरिजन में आपकी डबल ट्रिपल वैकेंसी है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।